सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक कथित वीडियो शेयर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मीडिया संस्थान TV9 को धमकी देने का आरोप लगाते हुए इसे शर्मनाक करार दिया है। सुरजेवाला ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें कथित तौर पर पीएम मोदी TV9 के CEO रवि प्रकाश से कह रहे हैं कि आपने ऐसे लोग भरे हैं जिनके ब्लड में मुझे गाली देना है। इस पर TV9 के CEO रवि प्रकाश ने कहा कि हम बदलाव ला रहे हैं। फिर हंसते हुए पीएम ने कहा, ऐसा मत करो भाई, जीने दो बेचारों को, उनकी आत्मा मर जाएगी तो मजा नहीं आएगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया, सनसनीखेज व शर्मनाक, मोदी जी की TV9 को खुली धमकी। TV9 के CEO रवि प्रकाश को आज PM ने कहा कि आपने ऐसे लोग भरे हैं जिनके ब्लड में मुझे गाली देना है। TV9 के CEO रवि प्रकाश ने कहा, बदलाव ला रहे हैं इनमें, जब PM खुले आम धमकियां देंगे तो पत्रकारिता गोदी मीडिया बनेगी ही। बता दें कि रविवार को TV9 ग्रुप का हिंदी चैनल TV9 भारत वर्ष ऑन ईयर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने TV9 के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने TV9 भारतवर्ष को चैनल लॉन्च की बधाई दी, साथ ही शुरुआत में मौजूदा चैनल के सकारात्मक सोच और ऊर्जा को कायम रखने की शुभकामनाएं दी।